टुडेज टॉपिक इज स्पोर्ट्स इंजरीज. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोर्ट्स इंजरी? स्पोर्ट्स इंजरीज, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी एथलीट. दिस इज कीप योर माइंड. आप अपने माइंड में एक चीज अपना ये लिख लो, इसको अच्छी तरह से समझ लो. वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एथलीट नहीं हुआ है जिसको इंजरी ना हुई हो थ्रू आउट हिज और हर कैरियर. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी बच्चा, छोटे बच्चा है, ग्रो ना पो रहा है, बड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता कि कभी उसको कोई चोट ना लगी. होता कभी ऐसा कि कभी किसी को कहीं ऐसी खरोंच भी ना आई हो, कहीं ब्लड ना निकला हो? ये हर बच्चे को, हर चाइल्डहुड में ग्रोइंग स्टेज पे होता है. इट इज योर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. गिरना, साइकिल चला रहे हो फिर गिर गए हो, कहीं ब्लड आ गया, कोई ट्विस्ट कर गया, कहीं सीवियर इंजरी हो जाती है समटाइम. तो स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट्स का एक पार्ट है. इसको हमने कैसे अपने एथलीट को इंजरी से बचाना है, कौन कौन से हमको प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है, ये बेटा आप भी आगे आ जाओ, फिर वो एक एक बेंच वाला हो जाता चुका है, ठीक है. ये हमारा मेन मोटिव है. और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज एंड व्हाट आर द रेमेडीज, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं. तो ये आपका एक बेसिक ऑफ योर लाइफ है. ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, घर पे भी है. छोटी छोटी कई बार चीजें होती है, घर पे आपका एंकल किसी का ट्विस्ट हो गया, समटाइम यू हिट बाय एनी ऑब्स्टिकल जहां पे आपके कट नहीं लगा है, ठीक है, समटाइम देर इज अ ब्लीडिंग, कट लग गया, अच्छा आपको छुरी, कुछ भी घर पे होता है. कितने आपके काम घर पे कर रहे हैं, लेडीज काम कर रही होती हैं, ठीक है. तो एटलीस्ट यू नो व्हाट इज फर्स्ट एड. इसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है. व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? हाँ, इमीडिएटली हेल्प जो हम दे सकते हैं किसी को भी, दैट इज फर्स्ट एड. फर्दर उसकी इंजरीज को सीवियर होने से बचाने के लिए, जो आप उसको इमीडिएटली एड, फर्स्ट एड उसको आपने, अब ब्लड किसी का निकल गया, किसी के कट लग गया, तो आपको क्या सबसे पहले देखना है? उसका ब्लड रोकना, ठीक है, किसी भी तरह से. अगर उसको कोई फ्रैक्चर हो गया, स्वेलिंग हो गई है, हाँ, आपने उसको पार्ट को बिल्कुल पहले रिलैक्स पोजिशन पर रखना. ये बेसिक चीजें हैं. ये आपको नॉट अ बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट होने के नाते, बट एज ए आपको ह्यूमन बीइंग, कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, आप में इतना सा एक विल पावर भी होनी चाहिए कि आपने उस किसी आदमी को सेव, किसी की लाइफ को अगर आप सेव कर सकते हो तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए. बाहर फॉरेन में अगर कोई गिर जाए, कर जाए, वो एकदम से लोग करते हैं हेल्प. हमारे यहाँ पे जो कानून है, जो लॉज है, वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, बंदा कोई हेल्प करने भी गया हो तो उसका नाम लगा देंगे, उसकी पेशियां लगाते रहेंगे, क्या देखा, कब देखा, कोर्ट में, थाने में करेंगे. चेंज हो गया, बट फिर भी बोलते हैं कि आपका नेम हम नहीं देंगे, आपका मोबाइल नंबर नहीं देंगे, बट जो ऐसे केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल केयर, वहां पे वो सब कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं. अगर आपने कोई सजेशन भी देनी, आपके नेम से जाएगी, ठीक है. तो ये चीजें चलती रहती हैं. ये तो मतलब ये काम रुकने वाला नहीं यहाँ पे इंडिया में, जब तक आपके मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे. तो इसको हमने, चलो ये छोड़ के हमने ये देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ, ये आप लिखना शुरू करो, मैं आपको हेडिंग लिखाऊंगा. इसको आपने एक्सप्लेन करना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इसको, वी विल डिस्कस इस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे मेन क्या पार्ट होता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज? इम्प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन सबसे मेन चीज है. लाइफ में अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम खेलनी, कोई एक्टिविटी करनी है, अगर आपने अपने आप को प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, अपने बॉडी को टोन अप नहीं किया, कॉजेज ऑफ इंजरीज, देन व्हाट हैपेंड, देयर इज 100% ऑफ चांसेस ऑफ इंजरीज. तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूल डाउन. You know what is cool down? Hmm.
होता है ऐसा यही, आफ्टर हैविंग एनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज आपने अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करना होता है, रिलैक्स करना होता है, अपने मसल्स को जो आप इतनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया है उनको रिलैक्सेशन करने के लिए उसको स्ट्रेच करते हैं, हल्का हल्का स्ट्रेच करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से कूलिंग डाउन करते हो तो आपको नेक्स्ट डे यू फील फ्रेश। अगर आप किसी भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेट वे आप यू लीव द ग्राउंड तो आपको मसल क्रैम्प नेक्स्ट डे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसको हम कूलिंग डाउन भी बोलते हैं, कूल डाउन एंड लिमरिंग डाउन ऑल्सो राइट। समटाइम देर इज अ क्वेश्चन, वट इज लिमरिंग डाउन, इज अ वन एंड द सेम थिंग। वार्मिंग अप, वार्मिंग अप मीन्स गेट रेडी, अपने मसल्स को रेडी करना फॉर एनी कमिंग एक्टिविटीज, ठीक है। वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है, हमने कोई एक्टिविटी करनी है उससे पहले अपने आप को, अपने मसल्स को, अपने को फिजिकली मेंटली रेडी रखना है। वार्मिंग अप भी साइकोलॉजिकली होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, ये नहीं कि पहले हमने भाग गए चल गए, मेंटली भी वार्म अप होते हैं। हाँ ठीक है, आपने मेंटली भी स्ट्रांग होना है कि आपका इवेंट आ रहा है तो यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग, आपको मेंटली बूस्टअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। यू हैव सीन द यस्टरडे मैच ऑफ मैरी कॉम, फर्स्ट राउंड पीछे थी, सेकंड आगे चल गई, थर्ड में वो ड्यू टू द एज फैक्टर, उसकी एज 38-39 है, वो बेचारी यंग है लड़की, बट फिर भी वो बहुत अच्छा खेली। हारने के बाद सबको जितना पूरा आपका वो सेम है, वो जो लड़की है वो दैट इज ऑल्सो एक आइकन मॉडल फॉर देयर कंट्री, फर्स्ट वुमेन है जो पार्टिसिपेट कर रही है उनकी कंट्री से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, ठीक है। तो मेन वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन एंड लिमरिंग डाउन, दिस इज द मेन पॉइंट, मेन कूलिंग डाउन। हाँ इसको ऑब्लिक में लिख लेना, समटाइम आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, व्हाट इज लिमरिंग डाउन, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देन इम्प्रॉपर क्लोथिंग एंड फुटवेयर, दिस इज द वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इंजरीज, ठीक है। अगर आपका फुटवेयर, आपकी क्लोथिंग, आपका इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड गेम नहीं होंगे तो दैट विल बी ऑल्सो है? हाँ, या आपने बहुत ज्यादा टाइट होते हैं ना बिल्कुल, एंड टाइट टी शर्ट पाई है, शॉर्ट्स पाई है, तो उससे क्या होगा, नेचुरली आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये भी दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस। हाँ बहुत है ऐसे, चप्पल डाल के स्कूल आ जाते हैं, यहाँ बहुत है पेरेंट्स आ जाते हैं शॉर्ट्स डाल के आ जाते हैं, दिस इज द मतलब वन ऑफ द, एक आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, दिस दिस इज द एटिकेट हाउ यू आर गोइंग। बहुत से ऐसे हैं कुछ भी नहीं अपने चले, मतलब आप क्या बोलना है आपको, तो ये चीजें मतलब ये किसी को सिखाने वाली नहीं होती है, ये आपको अपने आप पता होना चाहिए। देन एज फैक्टर, फिटनेस लेवल, एज के बाद फिटनेस लेवल। हाँ जी, हाँ वो आपने बाद में लिखाना है मुझको, जो अगर आपको कोई आते हैं ना ऐसे, अभी मैं आपको लिखाता हूँ, फिर जो आपको रहते हैं आपने, ये जरूरी नहीं कि बुक वाले आपने उठाने, आप अपने माइंड से भी देख सकते हैं कि ये मैं, हाँ ये आप कर सकते हैं। देन पुअर न्यूट्रिशन, वेट, ओवर वेट, पुअर पोस्चर, देन न्यू और इंक्रीज एक्टिविटीज, एक्टिविटीज समटाइम कोई आपको न्यू एक्टिविटी दे देते हैं हम, या उसको इंक्रीज कर देते हैं उसका लोड, तो हाँ इंटेंसिटी बढ़ा दी है एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। देन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर, देन योर ग्राउंड कंडीशन,
ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन इक्विपमेंट लिख लो साथ। ग्राउंड कंडीशन मीन्स कि स्लिपरी है, स्मूथ नहीं है, आपको सरफेस चाहिए स्मूथ हो, अनइवन है, ठीक है, ये ग्राउंड कंडीशन। इक्विपमेंट्स, ग्राउंड जो प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते, जिस जिसको हम बोलते हैं। देन लैक ऑफ फर्स्ट एड, मेडिकल चेकअप, लैक ऑफ मेडिकल चेकअप। जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब में, फोर्सेस में होता है ना, चेकअप होता रहता है हर साल, जो फोर्स में होगा आदमी या कहीं आपका गवर्नमेंट जॉब में है, उनके हर साल वो मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, सो दैट दे कीप ऑन वॉच ऑन एनी ऑफ द डिजीज, या कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं तो उसको टाइम से कंट्रोल आप कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। देन मेन क्या है, लैक ऑफ सुपरविजन। आप खेलने जा रहे हो, आपको कोई देख ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा है। हाँ, देन हाँ वो भी लिख सकते हो आप। देन आपका मेन हो गया रॉन्ग मेथड ऑफ कोचिंग और ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो मेन रीजन। अगर आपकी ट्रेनिंग सही नहीं होगी, ठीक है, तो दैट इज मेन प्रॉब्लम। टेक्निक्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, यू हैव टू ओवे द रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, इसको फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम, वो भी वन ऑफ द मेन रीजन है। अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप वहां धक्के पे धक्के मारी जा रहे हो, ठीक है, रूल को फॉलो करना सबसे मेन है। हॉकी, क्रिकेट, इसीलिए उन्होंने वहां पे कार्ड सिस्टम रखा है। बस जब देखा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटेंसली अपने फाउल कर रही है, तो स्ट्रेट वे रेड कार्ड एंड गो बैक, सस्पेंशन फॉर नेक्स्ट। अगर आप थोड़ा सा कम करते हो, नेक्स्ट मैच के लिए सस्पेंड कर दिया। और अगर आपका कोई अच्छा प्लेयर सस्पेंड हो गया या बाहर हो गया, तो आपकी आधी टीम गई। और वो प्रोवोक करते हैं, जो अच्छा प्लेयर है ना दूसरा, उसको धक्के बोलेंगे, उसको टीज करेंगे, ठीक है, हाँ, उसके पास जाके उसको कोई फाउल लैंग्वेज यूज कर दिए, ऑटोमेटिकली किसी को आप जाके कुछ ऐसा बोल दो तो वो इरिटेट होता ही है ना, मैच के लिए बाहर चल जाता है। हाँ, येलो वार्निंग होगी फिर दो, हाँ वो वार्निंग होती है। देन नेक्स्ट लिखो फैटीग, अगर आप थके हुए हैं फिर भी आप खेल रहे हो, देन इट इज आल्सो कॉजेज ऑफ इंजरीज। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हो, फैटीग है, एग्जॉस्ट हो गए हो, देन डोंट गो फॉर एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देन ओवर यूज, जिसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, ये आपके सम ऑफ द मेन रीजंस हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, यू कैन राइट, बट ये बेसिक चीजें हैं आपकी सारी। अब इसको आप वन बाय वन देखो, कोई आपको डाउट लगता है किसी पॉइंट में? सारे क्लियर है? वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, लिमरिंग डाउन, इट इज क्लियर? देन आपका नेक्स्ट क्या आ गया है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हाँ, प्रॉपर क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। अगर आप फास्ट बॉलर हो, क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपने स्पाइक्स नहीं डाले, नेल्स वाले, तो व्हाट हैपन, आप बॉल ही नहीं कर सकते हो, ग्रिपिंग ही नहीं होगी आपकी शूज की। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपने स्ट्रट नहीं डाले, ठीक है, ट्रैक पे जा रहे हो तो ट्रैक के लिए भी स्पाइक्स होते हैं, रनिंग नेल्स वाले आगे होते हैं, पीछे नहीं होंगे। तो ये हर गेम का आपके इक्विपमेंट फुटवेयर बने। इफ यू आर प्लेइंग इन ए क्ले कोर्ट, इफ यू आर प्लेइंग इन अ आर्टिफिशियल टर्फ जिसको हम बोलते हैं, वहां पे डिफरेंट सेनेरियो होता है खेलने का, वहां बॉल की स्पीड डिफरेंट होगी। अगर आप मैटिंग पे क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल कुछ और स्पीड से आएगी,
सीमेंटेड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टर्फ पे कर रहे हो, ये सारे सारों का डिफरेंट सिस्टम है। और आपको इसकी जब तक नॉलेज नहीं होगी, आपने समटाइम यू हैव सीन द युवराज सिंह शॉर्ट बॉल में बहुत वो वीक था, बाउंसर में, तो उसके फादर व्हाट दे यूज टू डू, कीप वन बकेट ऑफ वाटर एंड टेनिस बॉल, उसको पानी में डालना, गीला कर देना एंड देन स्मिंटेड, वहां पे उन्होंने विकेट बनाई है, वहां पे उसको बॉल शॉट मारनी है। उससे क्या होता था, बॉल स्किड करती है, पढ़ने के बाद स्पीड से आएगी, बहुत तेज आएगी, तो देन यू विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर दैट पर्टिकुलर हुक शॉट, पुल शॉट। ये डिफरेंट टेक्निक है, ये कोच को पता होना चाहिए कि आपने क्या कराना है, किस सिचुएशन में कराना है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप कभी देखो जो रोलर होते हैं ना, रोलर्स, जैसे हमने ये रोलर है सपोज ये राउंड में, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, मैंने यहाँ से उसको बॉल को यहाँ मारना है, आप यहाँ खड़े हो, जैसे स्लिप्स लगी होती है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 स्लिप्स, स्लिप्स के फील्डर को खड़ा कर देना, देन आई यूज टू हिट बॉल, वो बॉल पढ़ के डबल स्पीड से जाएगी और ये पता नहीं कहाँ जाएगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सेस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आप अगर ऐसे कर दिया ना, तो बॉल मुंह पे लग जाएगी आके, वो पहले ही बोल देते हैं, यू हैव टू ओपन योर आईज व्हेन एवर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी आर डूइंग, रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपके फास्ट करने, आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट करने, रिएक्शन टाइम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जो आगे खड़े होते हैं उनको एक तो रिफ्लेक्सेस अच्छे होने चाहिए, रिएक्शन टाइम, हाउ फास्ट यू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बॉल की स्पीड कितनी होती है, अब जो 140 45 48 9 150 स्पीड से बॉल कर रहा है, तो वो बैट्समैन को इतना टाइम थोड़ा ना मिलता है, टीवी में पता लगता है वो ले गलत शॉट खेल दिया इसने, ऐसे खेलता है, ले इसको यहाँ मार देता है, आप टीवी में देख रहे हो, बट उसको देखो, उसको तो बस बॉल फेंकी उसके बाद पहुंच गई। तो ये चीजें सारी है चीजें, आपको ये इंजरीज इसीलिए हर गेम में होती है कि यू आर गोइंग ऑल आउट। स्पोर्ट्स में इंजरीज क्यों होती है, जब आप गेम को खेलते हो तो आप टोटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको फिर ये नहीं सोचने वाला काम कम होता है, वहां तो पूरा जान लगी होती है कि आपने अपना कैसे टारगेट को अचीव करना है, तो इसीलिए स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है। आपको रेयर वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लेयर मिलेगा जो थ्रू आउट लाइफ विदाउट इंजरी खेला है, कौन है वो प्लेयर? तो बता के भी नहीं तुमको पता होता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, धोनी वगैरह सब, कपिल देव एज ए फास्ट बॉलर 16 17 साल वो खेले अपने, पर वो रेयर है कि कभी अनफिट हुए। एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनको प्रॉब्लम आ गई थी, ग्रोइन हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम, तो मैच अभी इंडिया का चल रहा था, नेक्स्ट डे वो डाउट था खेलेंगे नहीं खेलेंगे टेस्ट मैच में, एंड द नेक्स्ट डे वो एक लाइफ का बेस्ट स्पेल उन्होंने किया और ऑस्ट्रेलिया को 130 के आसपास इंडिया ने ऑल आउट कर दिया था, एंड ही 6 और 7 विकेट उन्होंने लिए थे एट दैट टाइम, और वो पूरा मतलब, हाँ जी, ही इज अ वेरी गुड आउट स्विंगर, और उस टाइम जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट थी वो बहुत फास्ट होती थी, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड फास्ट बॉलर एंड स्विंग बॉलर, ही इज अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, आउट स्विंगर। तो ये चीजें मतलब ये लाइफ में उस आदमी ने अपने थ्रू आउट कैरियर अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था, ठीक है। हाँ, वो पुराने जो प्लेयर थे, जो आप अब है, अब वो अब तो सारे एथलेटिक्स टाइप है ना, अब आपने देखा होगा वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, एडवांस स्किल्स, जिम आ गए हैं, ट्रेनर्स आ गए हैं, एट दैट टाइम देर इज अ नो सच टाइप ऑफ फिजिक। आपने कई बैट्समैन देखा, वो सारा दिन ऐसे खड़े रहते थे कैचिंग में, उन्हें थोड़ा सा भागना नहीं, जैसे आप गावस्कर वगैरह देख लो या कोई भी पुराने जो प्लेन है, हाँ, उनकी इतनी फिटनेस नहीं होती थी। अब तो आपका टेस्ट है, यू हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट, ईच एंड एवरी प्लेयर यू हैव टू पास दैट पर्टिकुलर टेस्ट, जो आपका फिटनेस टेस्ट है, अगर नहीं करोगे चाहे आप जितना मर्जी अच्छे प्लेयर हो। आप उसको उसको देखा लड़की को अभी इंडिया का मैच, सेम उसने ऐसे किया, अब एयर में बॉल को पकड़ी है, फेंकी है, वापस आई। हाँ, मतलब बॉयज तो काफी हो गए ऐसे ऐसे केसेस, बट उस, हाँ, उसको देख के और बिल्कुल मतलब फ्रिक्शन ऑफ ऐसे सेकंड का रह गया था टाइम, की ऐसा लग रहा था टच हो गई है, तो
अगेन दे डिफरेंट एंगल से उन्होंने वॉच किया पर उसने कैच पकड़ लिया। तो ये सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेशन से होती हैं। आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया, फास्ट बॉलर है, कोई भी स्पोर्ट्स वाला पर्सन है, वो ऑल आउट जाता है गेम में, फिर आपको वर्कलोड इतना, आज ये मैच है का दूसरा मैच है, थ्रू आउट द ईयर यू आर मतलब आप पूरा बिजी हो, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। जिसको आप आज अब बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स मैन है जाके खेलते हैं, उनको पूछो जिनके दिमाग में कितनी टेंशन होती है। अब आप ओलंपिक में देखो, गालियां तो चलो छोड़ो, बट अपने आप होता है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो उस दिन कल परसों वो फेंसिंग का चला है, वो हार गए जी, ठीक है। अच्छे अच्छे कई ऐसे निकल जाते हैं बच्चे समटाइम, बट आगे वाला भी कोई होता है ना, वो भी तैयारियां करके आता है, तो उसने भी उतना पूरा जोर लगाया होता है लाइफ में, उनके भी ट्रेनर्स उतने हैं, उनका भी सारा, हर कंट्री को ये एक प्राइड होता है, हर कंट्री का हमने मेडल लेना है। और वो जो जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है वो पूरा उन्होंने आपको, जब आपको पता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को पता है, अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट खेल रहा हूँ, स्टेट खेल रहा हूँ, मैं स्कूल का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझको ये फैसिलिटी मिलेगी, मेरी जॉब, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया। जब किस जब जब तक इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन का फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं होता, अगर किसी लेवल पे आप खेलते हो तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप नेशनल खेल लियो, चार पांच खेल लियो, ठीक है, आप अच्छा खेलते हो, आगे कोई पूछ नहीं रहा आपको, आपके स्टेट कुछ हेल्प नहीं कर रही है, तो कहाँ जाएगा स्पोर्ट्स। नेचुरली कहाँ, देखो ये काम स्पोर्ट्स इज नॉट ए इजी जॉब, इसके लिए आपको 7-8 घंटे तो वहां पे, और पूरा खाना पीना डाइट ईच एंड एवरीथिंग चाहिए आपको। अब आप कोई जो बच्चे हम जो कितने क्रिकेटर जो हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आए, आपने देखा होगा कईयों के, कोई ऑटो रिक्शा वाले हैं, ठीक है, किसी की शॉप थी, जोगिंदर सिंह आपका हरियाणा का था, वो भी ऐसे ही था। बट क्रिकेट में पैसा बहुत है, अगर आपने 2-4-5 साल खेल लियो तो आपका काम ओके, ठीक है। आपका IPL में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बट इन नाउ इंडिया इन ईच एंड एवरी गेम देयर इज ए नेशनल लीग, हर गेम की नेशनल आपके मैचेस हो रहे हैं, कबड्डी लीग होगी, हॉकी होगी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तो जो भी आपके अच्छे बच्चे हैं जो ऊपर के टॉप लेवल के, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही, लिटिल बिट इम्प्रूव कर रहे हैं, बट जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो अभी नहीं इतना हो पा रहा है। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कितने ऐसे हैं कोचिज हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, उनकी अगर आप सैलरी अगर आप सोचोगे सुनोगे तो आप बोलोगे वो अपना घर कैसे चला रहा है, कोचिंग क्या करेगा वो, ठीक है। जिसको आपने कोई मतलब इतना, हाँ वो 3 साल भी रहे, 2 साल भी रह लिए, 5 साल भी हो गए उनको, बट स्टिल दे आर गेटिंग मतलब इतना पैसा कम दे रहे हैं कि वो अगर घर पे कोई बीमार हो गया डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो सैलरी खत्म है। हाँ, और वो लड़के बड़े अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट हैं, सम ऑफ देम दे आर अ नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट। तो ये चीजें जब तक ये चीज चेंज नहीं होगी तब तक आपका कुछ, अब हरियाणा क्यों पंजाब से आगे चला गया, हरियाणा के, अब वही है ना, आप इतनी छोटी छोटी सी कंट्री है, आपका इंडिया का कितने मेडल है आज तक ओलंपिक में, गोल्ड हॉकी में मेडल आए, ठीक है, एक आपका बिंद्रा शूटिंग में ले गए, बाकी तो आपके, हाँ वो वही है ना, वो गेम अब ऐसे है, उन्होंने पिछले जब से ओलंपिक शुरू हुई है कितने साल से आपका कुछ एक ऐसी गेम है जहाँ वो टोटली हर कंट्री ने अपना एक डोमिनेट करती है उस गेम को। अब इसका टेबल टेनिस है, अब चाइना के दोनों प्लेयर फाइनल पहुंचे, और जो उनका थर्ड प्लेयर है वो वर्ल्ड का रैंक होल्डर है, उसको उसको मौका ही नहीं मिलता खेलने का। आप ये देखो अगर उसके साथ वर्ल्ड का कोई और किसी को भी खिला दो सबको हरा देगा वो, बट ड्यू टू दैट टू प्रोमिनेंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक तो मालूम है वो तो आपका उसको लेजेंड में नाम आ गया, अब वो कितने साल का है फिर फाइनल पे पहुंच गया, कल 3 ऑल हो गया था, 9-8 ऑल फिर जीत गया, पिछला वर्ल्ड चैंपियन है और वर्ल्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड टाइटल होल्डर है, मतलब वो हाँ लीजेंड प्लेयर है। अब वो जो बेचारे जो दूसरे हैं वो कहाँ आएंगे वो, और वो मेरे ख्याल बाकी पूरे वर्ल्ड के जितने प्लेयर हैं उनसे अच्छे हैं, बट वो इंडिया अपने चाइना की टीम में नहीं आएंगे तो कहाँ से मेडल आएंगे। अब वो उन्होंने अब बोल दिया है कि दिस इज माई लास्ट ओलंपिक, हाँ
वो नेचुरली कहते हैं मालोंग, हाँ मालोंग। अब वो उसने कह दिया कि नेक्स्ट ओलंपिक मैं नहीं खेलूंगा, बाकी बच्चों को थोड़ों को चांस। अब आपका MS धोनी खेलता रहता, विकेट कीपर को टीम में नहीं आना था, ठीक है? तो ये भी होता है कि बहुत अच्छा प्लेयर है विकेट कीपर, वो आधे बच्चे तो फिर क्या करते हैं, विकेट कीपिंग छोड़ दो, पता है ये खेल रहा है तो 10 साल और खेलेगा। ये भी बड़ा उसमें हो जाता है। अब दो मैच में इतना चांस मिला है इनको, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी देखा श्रीलंका से कैसे मैच हार गए। हाँ वो ये मेन चीज यही है ना, ये तो ये सम ऑफ द, ये बेटा आपको पॉइंट्स है, आपको जब भी एग्जाम में आएंगे तो मिनिमम 10 पॉइंट्स ही आपने लिखने, ये आपको कितने 15-20 पॉइंट मैंने लिखा दिए, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि क्या मेन मेन आपके कॉजेज हैं। इसमें फर्दर हम इसमें करेंगे कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेना, प्रिकॉशन भी ये सेम ही है। इसको आप अगर आपको ये आपको इसको उल्टा कर लो, प्रॉपर वार्मिंग अप करो, प्रिकॉशन लो, फर्स्ट एड रखो, मेडिकल, हाँ न्यूट्रिशन लो, बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे जोर भी लगा लेते हैं, खाते कुछ नहीं। हाँ 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 दिस इज द फैक्ट बिकॉज दे डोंट नो। हाँ आपको पता ही नहीं है आपने डाइट में क्या लेना है, तो आप क्या करोगे? नेचुरली इट इज अ वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस को आपने कैसे एनहांस करना है, तो उसके लिए आपका खाना पीना, हाँ जी नेचुरली वो तो है ही है। अब आपको डाइट का